और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं। अयोध्या में लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हो गए। इस अवसर पर जबलपुर के पश्चिम विधानसभा के 21 चौराहों में एक साथ शंखनाद किया गया। जो यहाँ आपको बता दें कि मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो इसी बीच जबलपुर के पश्चिम विधानसभा में भी 21 चौराहों में एक साथ शंखनाद किया गया है। कार्यक्रम में एमपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे हैं। जो यहाँ आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पंडितों के साथ आदि शंकराचार्य चौक में शंखनाद किया। इसके बाद जमकर वहां जबलपुर में आतिशबाजी भी की गई। आगे बढ़ते और देखते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के राजनीतिक स्वरूप पर कमलनाथ ने एक सियासी बड़ा हमला बोला है। जो यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, तब मैंने वीडियो संदेश के माध्यम से इसका स्वागत किया था और देशवासियों को इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम की बधाई भी दी थी। आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, इसलिए चूंकि वर्तमान में केंद्र व राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन का दायित्व बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को राजनीतिक स्वरूप दे दिया है और धर्म को राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। भगवान राम हमेशा से हम सभी की आस्था का केंद्र रहे और हमेशा ही रहेंगे। इस पर राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता और सनातनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ है। आज हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर मैं पुनः देशवासियों को बधाई देता हूँ और प्रभु राम के चरणों में नमन करते हुए देशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूँ। प्रभु राम सभी का कल्याण करें, सभी को निरोगी रखें, सभी की मनोकामना जो है वो पूर्ण करें और देश में अमन चैन और भाईचारे की रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज पूरा देश अयोध्या में हो रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव में डूबा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक ऐसा मुस्लिम परिवार है जो सनातन धर्म अपनाने का जिसने निर्णय लिया और भगवान राम की प्रतिमा के समक्ष हिंदू धर्म में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि परिवार की मुखिया पीरू भाई ने बताया कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन किसी मजबूरीवश वह मुस्लिम में धर्म में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने पूर्वजों की गलतियों को सुधारते हुए विधिवत हिंदू धर्म अपना लिया है। इस मौके पर पीरू अपने बच्चों के साथ सनातन धर्म में भी शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा रामराजवा सरकार के मंदिर भी विशेष आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मंदिर भगवान राम का मंदिर नहीं है, बल्कि राष्ट्र का ही मंदिर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जहां भव्य आयोजन हुआ है, मंदिर में श्री राम विराजित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर असम में एक अलग ही तस्वीर जो है वो देखने को मिली। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल असम में है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, जो अब असम पहुंच गई है, जहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जन्म स्थली पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मंदिर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वहीं इस मामले में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने एक्स पर लिखा है, उन्होंने सवाल उठाते हुए यह लिखा है कि असम में पहले राहुल गांधी की यात्रा पर हमला हुआ और आज राहुल जी को मंदिर जाने से रोका गया, क्या भाजपा के राज में मंदिर दर्शन और पूजा अर्चना करना भी प्रतिबंधित हो गया है? राहुल जी को मंदिर जाने की अनुमति के लिए धरना देना पड़ा, यह हमारी आस्था और नागरिक स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।